इस सेशन का बकायदा अगर सुनने से पहले मैं वन बात की एक आयत से कहा का तर्जमा करना चाहूँगा। मेरे रब मेरा इस काम को करने के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी बात लोगों के दिल में सुना। तो इस सेशन का बकायदा आगाज करते हैं। इंडस्ट्री पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इंडस्ट्री पाकिस्तान है क्या। तो हमने कहा कि इसके ऊपर छोटा सा सेशन करने की से हमारे नए आने वाले वॉलंटियर्स पर बाकी जो सपोर्टर्स हैं देश के फॉलोअर्स हैं उनको आसानी होगी। जैसे आप सब जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ दिन ब दिन कम हो रही हैं कोविड 19 की वजह से। तो वैसे जो है अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं सेल्फ एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़े। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही एक वही रास्ता है जिससे हम सर्वाइवल मुमकिन बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग जो कि पाकिस्तान का ही इंस्टीट्यूट है जिसमें हम SMEs और स्टार्टअप को कनेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री से पहले और इसमें हम पाकिस्तान की GDP में भी जाते हैं। मुझे जानने के लिए हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमा नोरीन एंड मिस्टर फरहान जी। बोथ आर 14 मेंबर्स ऑफ जनसा पाकिस्तान एट अ चैप्टर। सो मैम आज आप हमें कुछ बताएंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसके बारे में। थैंक यू सो मच तना कि आपने ये टॉपिक मुझसे पूछा और मुझे ऑनर किया कि मैं इस पर कुछ बोल सकूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैसे भी हमारे मुल्क में जॉब्स की बहुत कमी थी। टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब्स की कमी हो रही थी। उसकी शायद एक रीज़न ये भी थी कि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे थे। अभी एक ऐसा वक्त है जबकि हमें जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। क्रिएटिव माइंडेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास यूनिक आइडियाज़ भी हैं, उन पर काम करने के लिए उनके पास टाइम भी है, एज भी है, लेकिन फिर भी चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसे कि चलनी चाहिए थी, स्पेशली इस कंट्री में पाकिस्तान में जहाँ पे इतना टैलेंट खूब उठ के भरा है। तो इन्वेस्ट इन पाकिस्तान क्या चीज़ है? ये जम्प स्टार्ट पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास माशाल्लाह से काफ़ी पैसा होता है और वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलते जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके। तो जम्प स्टार्ट पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करवाना, वहाँ पे स्टार्टअप्स अपनी पिचर्स देते हैं और अपने आइडियाज़ पेश करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी उनके आइडियाज़ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं या SMEs हैं उनके पास सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट का ही तो आ रहा है। उनके पास फाइनेंशियल, उनको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी तो बाकी आगे काम करना या अपने आइडिया को कुछ बताना या करना वो उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो इन्वेस्ट इन पाकिस्तान क्या चीज़ है? ये एक्चुअली स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स के साथ मिलवाने का एक छोटा सा जरिया है, छोटी सी काविश है जो हम सारे मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए, हमारे वॉलंटियर्स? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि हम लोगों ने अपनी एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर हम लोग जो कुछ भी प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की आपने जिस तरह बात की है, सबसे पहले तो मैं वॉलंटियर्स को वेलकम करूँगा ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने खुद जो डेवलपमेंट स्टार्ट की, जितना भी मैं प्रोग्रेस की है मैं आई थिंक मोर देन 13-14 ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एंड नेशनल के साथ मैं एज अ वॉलंटियर वर्क कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ।
सो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर आप बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन करते ही हमेशा हायर गैदरिंग से हैं। इन्वेस्ट ना आपके पास डिसिप्लिन किया है जिसके अंदर आपके पास ओवरऑल द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट इंटरनेशनल मार्केट से हमारे पास नेशनल पाकिस्तान के जितने टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो लोग सब और साथ हम लोग के पास जितनी भी SMEs हैं, हम लोग के पास जितने भी स्टार्टअप्स हैं, हम लोग के पास स्टूडेंट्स हैं, इन सारों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर ले गया क्योंकि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द स्टार्टअप्स। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज की जहाँ तक बात आई है फॉर द वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स जब आते हैं हम लोग के पास तो देखिए जब भी आप वर्क करते हो ना किसी भी वर्किंग से पहले अगर आप स्टूडेंट लाइफ पे आ जाए तो स्टूडेंट लाइफ में आपके पास क्या होता है कि आप एक लिमिटेड जगह तक रहते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टडी की खत्म हुई क्लासेस आप वापस हॉस्टल गए फिर दोबारा नेक्स्ट क्लासेज और सब्जेक्ट एंड हो गए बहुत वो तो आप नहीं कहते यू डोंट नो वॉट इज हैपनिंग अक्रॉस द होल ग्लोब। अब इनमें होता ये है कि जब आप वॉलंटियर वर्क कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप देखते हो यार दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे पास अगर स्टार्टअप्स को वर्क कर रहे हैं या दुनिया में हम लोग सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस हो रही है तो किस तरह हो रही है और किस किस सेक्टर में हो रही है। लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग UTTECH था एट दैट टाइम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास, IoT है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब हम लोग बस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा है वो इस सेक्टर में है, वी डू नॉट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे कैसे पता चला, आई हैड स्टार्टेड अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेज फ्रॉम सेकेंड ईयर और मेरे साथ के वो सब दोस्त जिन्होंने ये काम नहीं किया, इन चीज़ों के साथ अटैच नहीं रहे, दे डोंट नॉट नो कि यार ये क्या दुनिया में चल रहा है। इसी तरह अगर आपने आगे फ्यूचर में If you want कि यार मैंने आगे बिजनेस साइड पे जाना है, आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, उसमें भी आपको इन सब चीज़ों के साथ अटैच होना पड़ता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको ये दोनों अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। यू विल गेट द यानी आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग के पास प्रोग्रेस किस फील्ड के अंदर हो रही है और सेकेंड ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े इन्वेस्टर्स के सामने आपने पिच करना है, हाउ आप यू आर एबल टू शिफ्ट योर बिजनेस, या आप स्टार्टअप से कैसे आ सकते हो हायर बिजनेस की तरफ, SMEs कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने आप। सो ये सब अपॉर्चुनिटीज वॉलंटियर्स वहाँ पे आके देखते हैं लाइफ में दुनिया में क्या चल रहा है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द वॉलंटियर्स वंस अगेन और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आप लर्न करें बिकॉज ये लर्निंग आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। सो इफ मैम सलमा आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, यहाँ पे मैं यही उनके साथ एग्री करना चाहूँगी प्रोफेसर फरहान के साथ कि वाकई आपको ये जो लर्निंग है ना कभी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। फरहान ने यूनिवर्सिटी से बाहर कितना लर्न किया जितना उसने यूनिवर्सिटी में बैठ के शायद लर्न किया। सेकेंडली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स जो आपके जो भी आप पढ़ रहे हो वो इतने टफ नहीं है कि आपको 24 आवर्स से उधर ही पढ़ना है। सेकेंड जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं आपको ये लग रहा होता है कि जैसे मैं डिग्री करके बाहर निकलूंगा शायद जॉब के लिए आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो पर्सनल ग्रूमिंग है कभी भी घर में बैठ कर या कभी भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्रीमली सॉरी हम लोग लाइफ से उतर गए थे, हम ट्रेन पर चढ़ते चढ़ते ट्रेन हमारी जो है पटरी से उतर गई और हम दोबारा से चढ़ा के आप लोगों में बताएंगे कि कहाँ से हम उतरे थे वहाँ से दोबारा चढ़ा। यस मैम, आप हमसे आपसे ये क्वेश्चन था कि हम प्रोफेशनल प्रोफाइल्स के साथ कैसे लर्न कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के। हाँ तो मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि आपके पास लर्निंग के ना दो ही ऑप्शंस होते हैं स्टार्टिंग में, एक्चुअली तीन होते हैं लेकिन हम दो को पहले कंसिडर करते हैं। पहला जो होता है वो ये था कि या तो आप इंटर्नशिप कर लो कहीं पर और दूसरा ये होता है कि या फिर आप वॉलंटियरली कहीं कनेक्ट हो जाए। जब आप इंटर्नशिप करते हो ना इंटर्नशिप का तो सारा कोई आइडिया है कि वहाँ पे कैसे आपको रगड़ा दिया जाता है, ज़्यादातर आपके काम डाल दिया जाता है और काम भी कौन सा डाटा एंट्री का काम और आपको किसी खाते में नहीं लिया जाता कि आप बात करने के काबिल हो या नहीं। उसमें मुझे लगता है कि जहाँ तक लोग कहते हैं कि इंटर्नशिप फ़ायदा देती है, मुझे लगता है कि आपको कंपनी का स्कोर मार देती है। आपको एक पेपर मिल जाता है तीसरा पेपर कि ठीक है जी आपके पास एक सर्टिफिकेट है या आपने इतना काम किया है, लेकिन मेरी नज़र में उसकी इतनी वैल्यू नहीं। ओके, अब दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं।
हम वॉलंटियर वर्क करते हैं वहाँ पे आप प्रोफेशनल्स के साथ कर रहे हैं, तो सेकेंड बीइंग वॉलंटियर आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है. और अब आप जब देखते हो कि प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, बिगर पिक्चर क्या होती है, कैसे हम छोटे छोटे गोल्स रखते हैं, आप अचीव कर रहे होते हैं, उससे जो आपकी लर्निंग होती है वो बहुत क्विक होती है. थर्ड जो टाइप है जिसको मैं नहीं कंसिडर कर रही थी वो ये थी कि समटाइम्स बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम जब डिग्री कर लेंगे फौरन से जॉब को हमारे लिए वेट कर रही है, और असल में ये होता है कि जॉब्स तो है ही नहीं. बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बेरोजगार ही उनको रहना पड़ता है, वो डीमोटिवेटेड होती है. लेकिन हाँ, अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर मिल जाती है व्यक्ति, तो फिर आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है अच्छी. लेकिन अगेन वो बहुत फास्ट लर्निंग नहीं होती, वो स्लो लर्निंग ही होती है. जॉब से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं लेकिन स्लो लर्निंग होती है. अब अगर आप एज वॉलंटियर आते हो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट में आते हो, और इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि हर तरह के लोग हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जंपस्टार्ट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. उसके अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूएस में है, यूएई में है, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सिटीज में चैप्टर्स बने हुए हैं. तो आपको जो फैमिली मिलती है ना, वो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड की मिलती है, और यहाँ पर आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल होती है. जबकि अगर आप किसी लोकल कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे जो आपके कोलीग्स वगैरह होते हैं या जो आपके साथ काम करने वाले प्रोफेशनल होते हैं, वो भी तो लोकल ही होते हैं ना, उनसे आपकी कितनी लर्निंग हो पाएगी? वो बहुत फास्ट लर्निंग नहीं हो पाती है. आप बेशक जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, और यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए सिर्फ पढ़ते हुए वो आपकी लर्निंग मुझे नहीं लगता कि बहुत नेक्स्ट लेवल हो सकती है. क्योंकि सबको ही पता है कि हमारा निसाब किस तरह से, हमारी किताबें कब की बनी हुई हैं, और फिर हम जब वो पढ़ते हैं तो हम किस किस दौर के बंदे बनते हैं. सही बात है. फरहान, आप कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर? मैं एक इसमें पॉइंट पे ऐड करूंगा कि देखिए ना, जब आप आते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको एज अ वॉलंटियर ही अगर आप वर्क करते हैं, आपको मल्टीपल फील्ड्स यू आर एबल टू फेस देम. लाइक अब इन्वेस्टिंग का हम लोग के पास चल रहा है, अगर एज अ वॉलंटियर आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है. यू कैन गो टूवर्ड्स द मार्केटिंग साइड, यू कैन गो टूवर्ड्स द पोस्टिंग आप कर सकते हो, आप इसमें राइटिंग पर काम कर सकते हो, कंटेंट राइटर के तौर पे आप आ सकते हो. फिर उसके अलावा आपके पास ये होता है, आप आर्ट्स में जा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, एनिमेशन में. तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हो, देखते हो यार कैसे पॉसिबल होता है. फिर आप ये देखते हो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती हैं. वो छोटे छोटे उन लोगों के पास पार्ट्स बने होते हैं, एक उनके पास टीम चल रही है, और मैनेजमेंट पे काम कर रही है, एक मार्केटिंग पे काम कर रही है. उन सारी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हो. उसके बाद अगर आपने अपना या बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपने किसी और पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, जॉब साइट पे जाना है, तो आप उस चीज़ में कम्प्लीटली योर माइंड इज क्लियर कि यार नहीं, मैं इस चीज़ के अंदर फिट होता हूँ, तो मुझे यही वाली फील्ड चूज़ करनी चाहिए. अदरवाइज आप बाजफ ही होते, आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो तो आपको साल बाद पता चलता है यार मेरे काम की फील्ड मैं जिसके अंदर घुस रही हूँ फिर अगली नहीं कर रहा. तो यहाँ पर पहले टेस्ट कर लेते हो मल्टीपल, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है उसको आप एज अ कैरियर अपना ले लेते हो, एंड यू विल प्रोग्रेस. क्योंकि ये है कि जो फील्ड आपके अपने मतलब की होती है, आप हमेशा उसी में ही प्रोग्रेस कर सकते हैं. इट्स नॉट कि यार आप मार्केटिंग का आपका माइंड है और आप ग्रो कर रहे हो इन द टेक्निकल, इसी तरह आपका टेक्निकल का माइंड है तो आप मार्केटिंग में चलेंगे, तो वो बंदा नहीं ग्रो कर सकता उस फील्ड के अंदर. यहाँ पर आपको चूंकि टेस्ट मिला होता है एज अ वॉलंटियर वर्क करके, तो ईजीली ग्रो इन दैट साइड. सेकेंड ये है कि हम लोग के पास मल्टीपल प्रोफेशन से लोग होते हैं. लाइक अभी अगर इन्वेस्टिंग की हम बात करें तो हमारे पास एग्रीकल्चर से टॉप के लोग आएंगे, हम लोगों के पास इसमें आईटी के टॉप के होंगे, मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के, और सिर्फ टॉप के पाकिस्तान से नहीं, अक्रॉस द ग्लोब होते हैं. तो उनके पास वहाँ तक पहुँचने तक एक एक्सेस आपको मिल जाती है. लाइक अगर मैं इससे पहले मैम सलमा हम लोगों के पास टॉप फ्रीलांसर हैं पाकिस्तान की, अगर मेरे पास ये प्लेटफॉर्म ना होता, इट माइट बी कि मैं ना इनसे मिल सकता, गौरम भाई के साथ मेरा ना वो चीज़ उस तरह मैं बात ना कर सकता. लेकिन ये वॉलंटियर वर्क करने से हम लोगों को क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है यार, यहाँ से हम लोग उनसे सीख सकते हैं जितनी भी बड़ी प्रोफाइल्स हैं, हायर प्रोफाइल. सो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट आई वुड लाइक टू ऐड. बाकी मूव ऑन करें इंशाल्लाह आगे भी. अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टूडेंट हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो मैं यहाँ से जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स हु आर वांट टू वॉलंटियर देयर वर्क, वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको क्या एडवांटेज होगी? मैम, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर,
मैं ना फरहान की पिछली बात से कनेक्शन बिल्ड करते हुए आगे चलूंगी कि जब आप वाकई अपनी मर्जी का काम कर रहे होते तो आपको लगता ही नहीं है आप काम कर रहे हो, फिर आप खुशी खुशी सुबह उठते हो, पूरा दिन खुशी खुशी रहते हो और आपकी लाइफ ना एक अच्छी डगर पे चल रही होती है। लेकिन जब अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो कि आपका दिल या आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता तो आप वाकई काम कर रहे होते हो, बेशक इतना काम नहीं करते लेकिन आप थक जल्दी जाते हो, फिर वो ज्यादा जा रहा होता सोने को, सुबह उठा नहीं जा रहा होता या इसलिए कि जो वॉलंटियर वर्क है यहाँ पे आप रह के अपने आप को जज कर सकते हो कि मुझे एक्चुअली क्या चीज सूट करती है, मैं किस चीज में खुश रहता हूँ, कौन सा काम है जो मुझे खुशी देता है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, आप ये क्वेश्चन था आपका तरह? यस मैम, हमें ज्वाइन करने का तरीका तो बहुत आसान था। आप ये जो हमारे लाइव सेशन देखते हो उनमें जिस बंदे को भी आप देखते हो एज होस्ट, ठीक है, जैसे अभी आप तलाव को देख रहे हो, ठीक है, या नॉर्मली हमारे जो फरहान भाई हैं ये भी करते रहते हैं होस्ट, ठीक है, आप इनमें से किसी को भी प्राइवेट मैसेज कर दो, फेसबुक पे ढूंढ सकते हो आप लोग, ठीक है, और आप उनको वहाँ पे प्राइवेट मैसेज कर सकते हो या इवन आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं भी ढूंढ करके इनको प्राइवेट मैसेज कर सकते हो कि हमने इन फैमिली का पार्ट बनना है और ये आपको ले लेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। पार्ट बनना तो बहुत ईजी काम है, आप जिस भी कैपेसिटी में बनना चाहते हो आपको सिर्फ एक टेक्स्ट की दूरी है कि आप हमें टेक्स्ट करो और हम आपको ले लें। आप यहाँ पे एज ये जो हमारे प्री इवेंट सेशंस हो रहे हैं इनमें एज गेस्ट आना चाहते हो, हम मोस्ट वेलकम करते हैं, हम हर किसी को सुनना चाहते हैं, हम हर किसी का नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, हम आपको अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी भी हमारे क्राइटेरिया पे चलेगी तो हम आपको जरूर वेलकम करेंगे। अगर आप होस्ट बनना चाहते हो अगेन मोस्ट वेलकम, हम तो कह रहे होते हैं कि हर बंदे को आना चाहिए, इवन आप कितने भी कैमरा आए हो आके यहाँ पे होस्ट बनो, ठीक है, तो हम आपको वहाँ पे भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं जी हमें तो वेबसाइट बनाना आती है तो यस हमारी इन्वेस्ट इन वेबसाइट पे भी बहुत काम रहता है, या जरूर वॉलंटियर कीजिए हमारी वेबसाइट बना दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छे हो, यस हमारे ग्राफिक डिजाइनर बहुत थोड़े से जो है ना, ठीक है, तो हमें वहाँ पे भी आपकी जरूरत है, आप जरूर अपनी जो वॉलंटियर सर्विसेज है वहाँ दे सकते हैं। अगेन अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है, फेसबुक प्रोफाइल अच्छी है, मे बी ट्विटर प्रोफाइल अच्छी है और वहाँ पे आप हमें प्रमोट कर सकते हो, यस श्योर प्लीज कीजिए, क्योंकि आप हम पे या किसी पे कोई एहसान नहीं करेंगे, आप एक्चुअली पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इन्वेस्टिंग को प्रमोट करके आपकी ही फील्ड से मे बी कोई स्टार्टअप ऑनर जो है वो देख ले और वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो एक तरह से आप भी इस जो पॉजिटिव काज है इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। आई होप कि मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि हमारे साथ कनेक्ट कैसे होना है, फैमिली का पार्ट कैसे बनना है और काम क्या करना होगा। काम आपको अपनी मर्जी का जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जिस भी काम में आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो आप वही काम करोगे। नॉर्मली क्या होता है आजकल रोजे चल रहे हैं, अफ्तारी बनानी होती है तो क्या होता है किसी एक बंदे की ड्यूटी होती है नहीं, हम सारे लोगों पर हमारा जितना रोल प्ले कर सकते हैं कर देते हैं, शरबत बना देता है, कोई बाहर से दही उठा के ले आता है, कोई चाट बना देता है, जिससे जितना हो पाता है उतना ही करते हैं और कोई किसी को ब्लेम भी नहीं करता कि मैंने ज्यादा किया या तुमने कम किया, और किसी एक आदमी को रोजा लग रहा होता है तो वो कोई भी काम नहीं करता, हम उसको भी कुछ नहीं कहते कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया, लेकिन एट द एंड हम सबका गोल सेम होता है कि हमने अफ्तारी बनानी और सॉल्व करना है। सेम इस तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एक बंदे को प्रमोट नहीं कर रहा, क्या वो सारे जो स्टार्टअप्स हमारे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, हमने एक इनिशिएटिव ले लिया है, तो हम किसी एक अदर बंदे पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हम फुल पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, उसमें जितना भी आप रोल प्ले कर सकते हो उतना कर दो। ये समाधान फरहान को चैट करना चाहिए। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स हैव बीन क्लियर फ्रॉम मैम साइड, और अगर हम लोग के पास स्टिल वॉलंटियर्स की साइड से कोई क्वेश्चन है यू आर वेलकम टू ऐड इन द चैट बॉक्स, जो आपके पास कमेंट सेक्शन है वहां पे आप ऐड कर दीजिए, वी विल आल्सो इंशाल्लाह ऑल द अदर। अच्छा हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आ रही है जिनके में आपको हम मैं फरहान से फेस करते हैं क्वेश्चन, तो जो वॉलंटियर है उनकी पर्सनल ब्रांडिंग या प्रोफाइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आपने क्वेश्चन आंसर किया पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया था, लेकिन वो पर्टिकुलरली फिर पूछ सकते हैं कि पर्सनल प्रोफाइल और ब्रांडिंग पर उनके कोई असर तो नहीं पड़ गया, मोस्टली हमारे साथ कुछ डेवलपर्स होते हैं या डिजाइनर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो अपने प्रोफाइल को बेहतर कर सकें, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कौन कौन से क्राइट्स अवेलेबल हैं? देखिए तला, सबसे पहले तो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूँगा कि आप स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स कि जब आप वॉलंटियर वर्क करते हो ना और आप निकलते हो बाहर आते हो आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो एक रिज्यूमे या सीवी का वर्ड आप सबने सुना होगा, ठीक है,
कॉमन वर्ड है, उसके अंदर अब क्या होता है कि हम लोगों के पास जितने भी एक बैच से स्टूडेंट निकले हैं उन्होंने अपने रिज्यूमे में क्या लिखा होगा, उन्होंने सिर्फ ये लिखा होगा कि मैंने यही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इतने मेरे मार्क्स आए हैं और इस ईयर में मैं ग्रेजुएट हूँ, ये वो यानी उनके पास कोई सॉलिड एक्सपीरियंस नहीं है। वॉलंटियर्स का सबसे बड़ा जो एज वॉलंटियर्स को मिलता है उनको मिलता है किसी भी पर एक बहुत बड़ी चीज आती है कि आपने बाकी सब लोग नॉर्मल रूटीन में चले हैं, आपने उन सब चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ को भी चलाया है, इससे वॉलंटियर वर्क किए जहाँ पे भी किया, आपने जिस सेक्टर में किया, जिस फील्ड में किया, जिस कंपनी के साथ किया, अगर आपने वॉलंटियर वर्क किया होगा तो उसका आपको एज मिलेगा। और फिर सेकेंड ये है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे और इंटरव्यू में आपसे ये सेम क्वेश्चन किया जाएगा या वॉलंटियर सर्विसम से रेलिवेंट किया जाता है, लेट्स सपोज अगर किसी से पूछा जाता है कि यार ये क्या है इन्वेस्टिंग और आपने ये सब काम किया है, तो आपने अगर सॉलिड वर्क वहाँ पर किया होगा तो यू हैव कॉन्फिडेंस कि यार मैं बता सकता हूँ उनको कि मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ ये चीज़ें की हैं और मेरी लर्निंग आम बंदे से ज़्यादा हुई है ऐसा कुछ पूछ। और सेकेंड ये है कि यहाँ पर जब आप मिलते हो मुख्य प्रोफेशनल से मिलते हो, लाइक सी ई ओज आते हैं आपके पास, फाउंडर्स आते हैं आपके पास, हेड्स आते हैं, जीज आते हैं, जी एम जी एम्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, एमडीज आते हैं, तो उन सारों से आप लर्न करते हो कि आप प्रोफेशनली कैसे दुनिया बिहेव कर रहे हैं, और वही आप जाके जब प्रेजेंट करते हो इन द इंटरव्यू तो ये आपको बाकी सब लोगों से एक एज देते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वॉलंटियर अगर वर्क करते हो तो आपके फ्यूचर में ये हेल्प आउट करती है और ये एक आपका डिफरेंस आता है आम लोगों से। मैम मैं सारा चेक कर रही थी कि हम लोग लाइव में कैसे लग रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास लोड नहीं हो रहा था। ओके, यस, पर्सनल ब्रांडिंग में वॉलंटियर वर्क हमेशा हेल्प करता है, ठीक है। वॉलंटियर की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है कि आपने अगर एक काज है उसके लिए आपने काम किया और बगैर पैसे भी काम किया, वाइल्ड की फ्री दुनिया में कोई भी नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है अगर फिर भी कोई अपना बिजनेस टाइम निकाल के किसी काज को सपोर्ट कर रहा है तो ये शो करता है कि उसके पास दिल है, बाकी सबके पास जो है ना शायद वो एक एहसास या वो दिल नहीं है जो उस एक स्पेशल बंदे के पास है, ठीक है। सेकेंडली ये कि वो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, क्योंकि जब हम प्रमोट करेंगे एक काज को तो हम अपने प्रोफाइल्स पर डालेंगे तो वो स्पैमिंग तो नहीं लगेगी। स्पैमिंग तब लगेगी जब आप बार बार एक ही तरह की पोस्ट करते जाओगे, ठीक है। जैसे कोट पोस्ट है, कोटेशन पोस्ट है, वो तो नॉर्मली भी अगर आप नेगर सलमान और इनू और मैं हर वक्त कोटेशन ही पोस्ट करती रहती हूँ, किसी न किसी की कोई ना कोई कोटेशन मेरी प्रोफाइल पे जा रही होती है, तो जाहिर सी बात है मेरी प्रोफाइल वो उतनी सेंसिटिव नहीं रहेगी, मैं खुद से कोई बात करती नहीं बस सिर्फ कोर्स पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमेशा आती ही आती है कि अगर आप कोई भी सेमनेस के पीछे भाग रहे होते हो, कोई भी चीज़ बार बार पोस्ट करते जा रहे हो तो स्पैमिंग लगती है। अब इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, अपनी पॉजिटिव मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, आप एक हद पोस्ट करो लेकिन वो अलग तरह की हो, टाइप डिफरेंट हो, कभी कोटेशन पोस्ट कर दी, कभी अपने आप को एज वॉलंटियर ये अनाउंसमेंट कर दी कि आपने ज्वाइन कर लिया है, कभी फिर आप अपनी कोई और प्रोग्रेस शो कर देते हो, अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपने कोई लैपटॉप पे काम किया, कोई आपने वेबसाइट कंप्लीट कर ली, मे बी आपने कोई रिव्यू ले लिया, किसी क्लाइंट के साथ कोई आपकी अच्छी डील क्लोज होगी, आप वो पोस्ट कर देते हो, साथ में आप चूंकि लर्नर हो, लर्निंग कर रहे हो, कोई कोर्स कम्प्लीट कर लिया, आप अपनी वो अचीवमेंट शोकेस कर सकते हो और फिर वापस आके फिफ्थ या सिक्स पोस्ट अगेन से आप जिस भी आप इवेंट को प्रमोट कर रहे हो आप उसकी लगा देते हो। इस तरह से ये है कि आपकी जो प्रोफाइल की अथॉरिटी वो बढ़ेगी, उससे आप स्पैमर नहीं लोगे। स्पैमर क्या लगता है, स्पैमर होता क्या है, एक्चुअली कुछ जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर जैसे लाइक रोबोट्स, ठीक है। रोबोट्स कैसे काम करते हैं, उनको जो काम दे दिया जाता है वो एज इट इज पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनमें फीलिंग्स तो होती नहीं है, वो तो एक कोड है ना, बस वो वर्ड्स ही वर्क करेगा जैसा हम उसको कहते हैं। तो जो प्रोफाइल रोबोटिक वर्क करती है ना कि वो बार बार बस एक ही तरह की पोस्ट करती रहती हैं तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पहली दफ़ा मे भी आपको कुछ आ जाए, अच्छे भले लाइक्स आ जाए, लेकिन दूसरी बार कम कम करते करते लोगों का ऐसा ऐसा देखना ही छोड़ देंगे कि आप मुसलसल ऐसे ही पोस्ट करते हैं। तो हमारा या किसी का भी ये मकसद नहीं होता कि आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को खराब करें, उसको सही रखने का एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप खुद से कैलकुलेशन कर लें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं तीन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, फिर चौथी चीज़ मेरी ही है, ठीक है, फिर मैं उसमें काम कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है अगर आप वॉलंटियर काम यहाँ पे कर रहे हो, आधा घंटा घंटा रोज का यहाँ पे दे रहे हो, दो घंटे इवन दो दे रहे हो, तो यही करो कि दो घंटे से यहाँ पे दे रहे हो, बाकी भी तो आप 22 घंटे कोई काम करते हो गया, तो 22 घंटे कोई और एक्टिविटी करते हो वो भी प्रमोट करो साथ साथ में। उसमें यह होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग आपकी सही रहती है। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, एज इंडिविजुअल आप एक ब्रांड हो, एज इंडिविजुअल जब आप एक ब्रांड हो तो आप 24 घंटे एक ही चीज़ पे काम नहीं कर रहे होते,
जब 24 घंटे एक ही चीज पे काम नहीं कर रहे होते तो आप मुसलसल एक ही चीज को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? आपको तो बताना ना कि आप बाकी भी टाइम में क्या क्या काम करें, प्रोफेशनली किस चीज में एक्टिव हो, जॉब में एक्टिव हो, पढ़ाइयों में एक्टिव हो, किस चीज में एक्टिव हो, ठीक है? वो चीज आप साथ साथ प्रमोट करते रहते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग पॉजिटिव जाती है, नेगेटिव मार्केटिंग नहीं जा रही है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे मोस्टली पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे डीपली अंदाज में दिया कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर वो नेगेटिव पॉइंट होते हैं कि वो अपने ब्रांडिंग को ख़राब तो नहीं कर रहे तो आपने कभी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं पॉइंट्स को। जब मैम जैसे आपको पता है ट्रेंड इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रेड्स के बारे में तो आपको पता है, तो इन्वेस्टिंग कैसे अपने आप को प्रमोट कर रही है और इन्वेस्टिंग कैसे होगी, इवन तो लाइव होगी या कैसे, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना सीक्रेट बताती हूँ, आई एम नॉट श्योर कि हमें मुझे बताना चाहिए या नहीं चाहिए क्योंकि हमारी को टीम का सीक्रेट था, लेकिन मैं बता देती हूँ। हमारा पहले प्लान था कि हम लोग एक प्रॉपर तगड़ी सी कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लाइक 5 दिन का इवेंट करने वाले थे, उसमें हम लोग चाह रहे थे एक रिट्रीट टाइप सा सीन हो जाए, हम इन्वेस्टर्स को, SMEs को, स्टार्टअप्स को लेके इकट्ठा करें और उनको एक अच्छा टाइम मिले कि वो पर्सनली कनेक्ट कर सकें, क्योंकि इन पर्सन कनेक्शन का एक और मज़ा होता है, जबकि थोड़ी देर के लिए मिलना, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मिलना, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, लाइव मिलना उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, और बस दूर से देखना या कहीं सोशल मीडिया पर देख लेना उसका अलग इम्पैक्ट होता है। तो प्लान्स तो खैर बहुत हाई थे, बहुत अच्छे थे खुरम भाई के माशाल्लाह से, और हम लेकर आना चाह रहे थे इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, पर ये कोरोना जो अचानक से आ गया जिसका कोई हमें आइडिया नहीं था कि आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे प्लान्स काफ़ी डिस्टर्ब हुए। पहले हमारी कॉन्फ्रेंस डिले हो गई और अब सेकेंडली ये कि हम वैसे प्लान नहीं कर पा रहे जैसे कि एक्चुअली हमारा प्लान था। इस बार हमारा प्लान है कि हम लाइव करेंगे, हाउएवर कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी ऐप्स हैं जो कि इवेंट पेज पे दोनों के लिंक्स दिए हैं, आपके पास आईफोन है तब भी और एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसके लिए भी आपके पास ऐप है, आप डाउनलोड करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑनलाइन होगी। देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास, क्योंकि जिस तरह पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों के पास सिर्फ इन्वेस्टिंग पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज चैप्टर्स अक्रॉस द होल ग्लोब, तो उसमें ये होगा कि हम लोगों के पास डिफरेंट एरिया से जब लोग आते हैं तो डिफरेंट फील्ड्स को टच करते हैं, उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि यू कैन गेट द आइडिया ऑफ होल ग्लोब, इंटरनेशनली क्या फेयर्स चल रहे हैं, इंटरनली हम लोग पाकिस्तान में किस किस चीज़ की नीड है, वेस्ट में क्या चीज़ ज़रूरत है, ईस्ट में टोटली ईस्ट में वहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरत है, UAE में हमें किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पर जो डिमांड होती है उन सारों का आपको आइडिया हो जाता है कि वहाँ पर इन्वेस्ट इन में आप कर लो या एज अ वॉलंटियर वर्क करने से। तो ये जो आपका इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स है वो सारे यू कैन गेट द आइडिया, स्टूडेंट लाइफ में तो आप बैठे हुए आपको 6 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, यू डोंट नॉट नो कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, आपके पास बिजनेस फील्ड में सब क्या चल रहा है, कॉमर्स में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप कैसे गेट करते हो, या तो आप न्यूज़ पे बैठ जाओ तो न्यूज़ आप 24 आवर्स दो, सेकेंड ये कि प्रैक्टिकली आप कैसे गेट करते हो जब आप इन चीज़ों के साथ अटैच हो, उसमें आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हम लोग के पास वॉलंटियर वर्क करने की, इसमें आप वर्क करो और आप इंटरनेशनल एक्सपोजर एक गेट करो कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, ये इन्वेस्टर्स जो है किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है, जैसे चाइना से अगर इन्वेस्टर एक आ रहा है उसको ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया वाला आपको बताएगा उसके लिए में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अपनी फील्ड्स को या अपने प्रोडक्ट्स को उन लोगों के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट में देखा हुआ है, तो डू नॉट नो कि यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर शायद ये चीज़ के यूए के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास और हम उसी प्रोडक्ट में दोबारा काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास उस चीज़ का भी एक्सपोजर हो कि यार दुनिया में इस चीज़ को ऑलरेडी कर चुकी है, अडॉप्ट कर चुकी है, नाउ वी हैव टू मूव वन स्टेप मोर फॉरवर्ड टू दिस, तो ये आपको एक्सपोजर्स डिफरेंट मिलते हैं इंटरनेशनल की, नेशनल की, बस ऑल ओवर द पाकिस्तान पार्टिसिपेंट्स, ऑल ओवर द ग्लोब पार्टिसिपेंट्स भी होंगे हमारे पास, सेकेंडली इन्वेस्टर्स जो आते हैं वो भी होते हैं, और फिर हमारी जो टीम है दैट इज सारा हम लोग कवर कर रहे हैं सारी दुनिया। थैंक यू सो मच फरहान, आपने बहुत अच्छी वैल्यू एड की इसके अंदर। वन लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड कि हम
वॉलंटियर्स होते हैं, क्या वो अपना आइडिया पिच करके ला सकती हैं इन्वेस्टिंग में? मोस्ट वेलकम, लेकर आओ आइडिया। तो अगर आपके पास है यूनिक आइडिया है तो यहाँ पे वैसे एक चीज और है कि आप अगर जंप स्टार्ट के साथ एक्टिव रहते हो ना तो आपको मेंटोरशिप भी मिलती है, आपको पिचिंग भी प्रॉपरली सिखाई जा रही होती है, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जहाँ पे प्रॉपर पिचिंग सीखते हो। क्योंकि मोस्टली जो होते हैं ना हमारे स्टार्टअप से उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा होता है, आइडिया बेहतरीन होता है, टीम बेहतरीन होती है, सब चीज़ें अच्छी होती है, उनको एक चीज़ नहीं आ रही थी, वो थी पिच करना ही नहीं आ रहा था। अब वो क्या करते हैं, डर डर की बात कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो भी होता है, तो जो आगे इन्वेस्टर होता है बेचना नहीं आता, क्या काम करेगा। ठीक है, तो आइडिया पिचिंग भी जाहिर सी बात एक स्किल है, वो भी आपकी लर्निंग यहाँ पे जंप स्टार्ट के साथ करते हुए काफ़ी अच्छी है। और यस, अगर आप इवन वॉलंटियर हो हमारे साथ काम करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेटेड हो गए कि नहीं जी आप कहाँ के लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि आप लेकर आओ, आपको तो ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, हम सारे मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे, यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए हम कुछ भी कर सकते। Okay, yes, another good news is that I am trying to have one expert in this field. Jo teaching me both of the expert hain. He is also a founder and the CEO of a company. Maybe now we have the goes out to him and we are going to maine unke sath contact kiya hai aur inshallah next week ke andar hum unko bhi lekar aayenge aur unse kahenge ki one to one hum bas ek point ko clear karenge pitching ke bare mein, that how you can pitch जिसके अंदर आपके पास नेशनल इंटरनेशनल सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो पिचिंग के बारे में मैं ये ऐड करना चाह रहा था, आज बल्कि मेरा उनके साथ हुआ कॉन्टैक्ट, तो इंशाल्लाह जैसे ही उनके पास डेट फाइनलाइज होती है वी विल आल्सो शेयर दैट। अच्छा फरहान, इसमें ऐसा करना कि जो आप अपना प्लान कर रहे हो ना उसमें आप जूम पे ही करके ना मल्टीपल वॉलंटियर्स जो हमारे हैं उनको अलाउ कर दीजिए, जब भी उनको कोई क्वेश्चन हो लाइव पूछ लें, लेकिन खुद से पूछ लें, और जो हमारे गेस्ट हैं उनको वहीं पर आंसर। क्योंकि पर्सनली हम तो चाहते ही हैं कि हमारा जो मेन प्लान होता है, जो भी हमारा फैमिली का पार्ट है, उसकी ग्रूमिंग तो हमारा ऊपर जरूरी है ना, उसकी ग्रूमिंग तो हमें करनी ही है। ताकि वो अपना ब्रिज क्रिएट कर पाए, जैसे हमारा मोटो भी है इन्वेस्टिंग का जंप स्टार्ट का, कि हमें ब्रिज क्रिएट करना है आइडियाज इन्वेस्टर्स के दरमियान और स्टार्ट का जो असल के दरमियान, जो कि बाकी शायद मुश्किल से हो पाता है अगर हम अपॉर्चुनिटीज को अवेयर ना करते हैं। तो आई गेस हमारे पास एक क्वेश्चन था volunteers में से, okay, what are the opportunities for the youngsters like me? हमारे पास एक क्वेश्चन आया जिसके बारे में कुछ बताएं, यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? आपने वैसे इसका आंसर कर दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम फिर उनको एक आंसर काफी डिटेल में कर दिया जी जी। हमारी वीडियो लाइव रुक जाएगी, आप इसको रिपीट में देख सकते हैं, जैसे हमने वो डिटेल में आंसर कर दिया हुआ ऑलरेडी इस क्वेश्चन का, सेम बस वर्ड्स यहां पे चेंज किया, यंगस्टर की जगह स्टूडेंट लगाया हुआ। यंगस्टर द स्टूडेंट जी, दैट्स ग्रेट। तो मैम आज का हमारा सेशन किया है वो इसी तरह से, हम कहेंगे कि वो नई बिगनिंग थी हमारी तरफ से, एक न्यू बिगनिंग हम शुरू करने जा रहे हैं क्वारंटीन के बाद। तो अगर हम इसको क्वारंटीन को अफेक्ट करें, अपनी चीज़ें लर्न करें और अपना आइडिया लेकर आएँ, तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह एक अच्छे स्टार्ट के साथ आ पाएंगे दोबारा। तो मेरा ऑडियंस से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ना मेरा एक कमेंट में करते रहे और हम इसका रैप अप करते हैं। कला मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा एडिशन में करना चाहूंगी, एक चीज बात करना चाहूंगी, अगेन हमारे वॉलंटियर्स हैं जो भी, ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो इवेंट जब भी कोई हमारी स्पेशल पोस्ट होती है, जैसे कि अभी फरहान ने बताया कि हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आ रहे हैं जो कि प्रॉपरली पिचिंग पे गाइड करने वाले हैं, ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी सिर्फ एक पोस्ट कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पे वो कितने ही लोगों का भला कर सकती है, तो काइंडली आप वहाँ पे कंजूसी मत किया करें, वो जरूर पोस्ट करिए। अगेन ऐसा नहीं है कि आप वॉलंटियर नहीं बनना चाहते, या आप होश या स्पीकर या स्पॉन्सर या पार्टनर या किसी वजह से भी आप हमारे गाइडियन में फिट नहीं आते और आप हमारा पार्ट नहीं बन सकते, तो मतलब कि आपका कोई रोल नहीं है, आपका स्टिल रोल है। अगर आपको लगता है कि ऐसे फुटबॉल्स हैं उनको फीचर करना चाहिए आपको इन्वेस्टिंग, तो ज़रूर उनको टैग कीजिए, उन्हें रिकमेंड कीजिए, हम सिर्फ एक मैसेज के जरिए हैं और हम आपके फेवरेट जो भी फुटबॉल्स हैं जो चौड़ी हैं उनको लेकर आएंगे और उनसे वही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो आप चाहते हैं। जैसे अभी फरहान ने रेज किया पॉइंट कि पिचिंग के बारे में, तो फरहान ने फोन से आंसर कर दिया कि हम पिचिंग के आपके लिए एक अच्छा गेस्ट लेकर आने वाले हैं जो आपको वो डिटेल में गाइड कर देंगे। सेम इसी तरह आप जो भी चीज़ लर्न करना चाहते हैं, जो भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप या तो हमें गेस्ट रिकमेंड कर देंगे या फिर आप हमें एटलीस्ट अपने क्वेश्चंस बताएंगे ताकि हम आपके लिए वैसा ही मवाद ला सकें जैसा कि आप चाह रहे हैं।
क्या फैला आप कुछ बोलो एक पॉइंट पे और ऐड कर दूं यहाँ पे इसके बाद तला पे चलते हैं देखिए प्रोफेशनल लर्निंग का मतलब हमारा एक यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने कुछ चीज़ लर्न की अलॉन्ग विद जब भी मैंने ये वॉलंटियरली इस वक्त दुनिया में जितनी भी वर्किंग हो रही है क्योंकि ये तो अभी क्वारंटाइन जब से हम लोग हुए हैं और कोविड-19 के बाद तो ये चीज़ और ज़्यादा एक्सीड कर इससे पहले भी थी और हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं की क्योंकि that has been shifted towards the digital side. उसमें अब हम लोगों के पास जब भी हम लोग किसी ऑफिस को या हम लोग किसी बिजनेस को मैनेज करते हैं तो ऑनलाइन मैनेज करते हैं और ऑनलाइन में द बेस्ट टूल्स जो हम लोग के पास ये बहुत ज़्यादा जो यूज होते हैं दैट आर द गूगल डॉक्स गूगल डॉक्यूमेंट्स से किया यानी अगर मैंने एक बनाई हुई स्प्रेडशीट या गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैंने एक्सेल की शीट बनाई हुई है और उस पर मैंने भी वर्क करना है मैम ने भी वर्क करना है कला ने भी वर्क करना है और हमारे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ने करना है मतलब जस्ट जाके जनरेट करनी है और उसके बाद लिंक शेयर करते हैं जो अपडेट्स हैं ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन अपडेटेड इट्स समथिंग मैं सब ऐड करती रही साथ साथ कुछ चीज़ अपडेट होती रही जब मुझे भी पता चलती रही इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि मैं वो पुराने ट्रेंड चल रहा था कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट रखते हैं और उसके अंदर अपडेट करते हैं फिर दोबारा सेंड करेंगे फिर दोबारा वहाँ से ओके आएगा फिर दोबारा तला को भी सेंड होगा तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे लर्न करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल मीम्स जो है या प्रोफेशनल बेस जो है वो हम लोग के पास यहाँ पर तो गूगल डॉक्स में मैंने मेन पॉइंट्स में से यहाँ पर मैंशन किए बहुत सारे वर्किंग कर रहे हैं और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग्स तो यू आर वेलकम एज अ वॉलंटियर आप लोग आए आपकी लर्निंग होगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बी एट दिस पॉइंट क्योंकि मुझे भी टाइम के साथ साथ ये चीज़ें लर्न की हैं मैंने आप ऑटोमेशन टूल सीखते हो आप टीम बिल्डिंग सीखते हो टीम के साथ काम कैसे करते हैं वो सीखते हो और हमारे टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती लेकिन हम हमेशा अपना जो बिगर गोल होता है उसको देखते हुए उनके साथ बना के रखते हैं ठीक है ये चीज़ आप ना घर में नहीं सीखते नॉर्मली क्या होता है यूनिवर्सिटी में किसी साथ नहीं बनती दोबारा भी नहीं करते वो प्रोफेशनल लर्निंग नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है हमें पता होता है कि इसका नहीं बनती लेकिन इसे काम छोड़ के आना और हमें मेहनत ही करना और हम यहाँ पे एक दूसरे के लिए नहीं है हम स्पेशल टास्क के लिए हम काम करते हैं प्लस आप लोग यहाँ पे ऐसे टूल्स सीखते हो जो कि जहर सी बात है नॉर्मली आपके माइंड में नहीं आ रहे थे जैसे प्रणाम की बात की गूगल प्रोडक्ट सीखते हो साथ में अगर मे भी आप नॉर्मली जूम यूज नहीं करते मीटिंग्स के लिए तो यहाँ पर हम इतनी मीटिंग्स करते हैं हर रोज कोई ना कोई मीटिंग हो रही है इवन अभी मैं नोट करी थी रिसेंटली कि हम लोग तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप कॉल स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप जूम हर चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं साथ में अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली मे भी आपको कभी भी टीम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये चीज़ें कभी हेल्प खुद से ना आ पाए जब तक कि आप प्रॉपर्ली को फ्रीलांसर नहीं है या प्रॉपर्ली किसी अच्छी जॉब पोजिशन पर नहीं ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम सारे मिलकर ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ टास्क एड हो रहे होते हैं आड़े करने का टास्क होता है कुछ कंपनी आइडेंटिफिक कर रहे होते हैं हम साथ में कोऑर्डिनेटर को बता रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ ऐड कर दी नहीं ऐड कर दी रिमाइंडर दे रहे होते हैं ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं नॉर्मली जब हम लोग यहाँ पे एज वॉलंटियर काम नहीं कर रहे होते अकेले अकेले काम कर रहे होते तो हम इतने प्रोफेशनल नहीं होते जितने कि यहाँ पे आके हम प्रोफेशनलिज्म सीख रहे होते हैं ऐसे ही है तला फरहान यस मैम बिल्कुल ऐसे ही टीम बिल्डिंग और जो है कोलैबोरेशन हम इन्वेस्टिंग का पार्ट है इन्वेस्टिंग के वॉलंटियर्स जो हैं वो पॉलिश होकर जा रहे थे क्योंकि मोस्टली जहाँ पे आप जो है वो पिच नहीं कर पाते या बात नहीं कर पाते वो यही होती है मालिक कोलैबोरेशन नहीं हो रही थी टीम बिल्डिंग भी बन पा रही थी हम कलेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे जैसे फरहान ने अभी पॉइंट ऐड किया क्या माइक्रोसॉफ्ट की फाइल ई मेल जा रही है वो व्हाट्सअप आ रहा है कुछ चीज़ आ रही है तो हम उन चीज़ों से झंझट से बच कर ऑलरेडी डेवलप टूल के साथ मिलकर हम अपने कलेक्टिवली काम कर रहे थे जो हमारी वॉलंटियर्स को कनेक्ट करती है इन सब चीज़ों के साथ जो उनकी उनकी स्किल को भी पॉलिश कर रही है टाइम मैनेजमेंट हम लोग बहुत सीखते हैं अब तो कुछ रिस्पांस करना सीखते हैं एग्जैक्टली कुछ रिस्पांस और टाइम मैनेजमेंट अभी हमें कोई कहे कि अभी मीटिंग है हम लोग फौरन से रेडी हो जाते हैं रेडी हो जाए और ये चीज टाइम मैनेजमेंट वो पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है माशाल्लाह से ऐसे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होते मैंने मोस्टली जॉब्स में देखा है ठीक है कि किसी भी कंपनी में ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक से दो बंदे रखे हैं सिर्फ उनका काम है कि बाहर जाके प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रेजेंट करना बाकी पूरी टीम करनी है तो होता क्या है कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड किया जाता ही नहीं है आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता ही नहीं है यहाँ पर क्या होता है हम हर एक को पकड़ पकड़ के ड्राइव कर रहे हैं और उसकी वो किट लगा रहे थे कि वो उसके अंदर थोड़ी सी भी शाइनस है ना तो वो तो खत्म हो ही जाती है
और वो पार्ट बन जाता है, हमारा पॉलिश पार्ट बन जाता है कि वो हमारे साथ कलेक्टिवली काम कर सकता है। मुझे कॉन्फ्रेंस जैसे हमने बताया था कि जून में हो रही है, तो वो उसके बाद बहुत अच्छा टाइम है अपने आपको पॉलिश करने का, क्वारंटाइन भी चल रहा है, वो इन सब चीज़ों से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ कि इन्वेस्टिंग 12 जून को है, लेकिन जंप स्टार्ट जो फैमिली है ना उसके इवेंट्स वैसे पूरा साल ही कुछ ना कुछ होते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स और एसएमईज के लिए तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, क्योंकि स्टार्टअप भी एक इकलौता वाहिद जरिया है जो कि पैसा लेकर आ सकता है या पैसा बना सकता है खुद के अंदर, ठीक है, जो बेरोजगारी को ख़त्म कर सकता है। एक जाहिर सी बात है, एक बंदा एक नई प्रोडक्ट या एक नई सर्विस या एक नया आइडिया उस पर काम करता है तो वो अकेला अपने घर को नहीं चलाता, वो बल्कि कुछ और लोगों का भी घर चलाता है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो बेरोजगारी का है, ठीक है। इससे क्या होता है कि रोजगार होता है तो हम इसलिए स्टार्टअप्स में उनको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास एक इवेंट नहीं है कि इन्वेस्टिंग नहीं है, हम मल्टीपल इवेंट्स पूरे साल में करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने शायद सुना होगा हमारा पिछला जो मोबाइल गिफ्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छा गया, ठीक है। इसके अलावा भी हमारा शपर पाए हैं या बाकी हैं इस टाइप के, आप देखोगे तो हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो चलते रहते हैं। तो जंप स्टार्ट फैमिली का पार्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने भी दो महीने एक्टिव रखते हो, डेढ़ महीने एक्टिव रखते हो, उसके बाद अच्छा रख दिया कि हमारे पास कोई प्लान नहीं, हमारे पास प्लान जब तक आप थकते नहीं हो हमारे पास प्लान बहुत है। वॉलंटियर्स के लिए फुल टेक केयर करते हैं और उनको पॉलिश करते हैं तो वो मार्केट में कैसे तैयार होकर जा सकते हैं। तो आप कुछ लास्ट मिनट पॉइंट ऐड करना चाहेंगे फरहान? पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि हम अपने वॉलंटियर्स को कैसे वेलकम कर रहे हैं, लास्ट मिनट पॉइंट्स इन वर्ड वर्ड कुछ बता दें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि फर्स्ट तो नहीं, खैर अब तो लास्ट हो गए कि हम लास्ट हो गए एक तो ये है कि यार मैं सारे जितने भी वॉलंटियर्स अभी वर्क कर रहे हैं हमारे साथ या जो आना चाहते हैं सबको, और जो कर रहे हैं दे आर परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग, उनको ये है कि आई वुड लाइक टू थैंक देम। और बाकी सेकंड ये है कि वॉलंटियर्स की काफ़ी सारी हम लोगों ने सपोर्ट की है चीज़ें कि हम पास करते हैं, उनको एजेस मिलते हैं अपने फ्यूचर लाइफ और कैसे वो ग्रूम कर सकते हैं सब चीज़ों के बारे में। तो आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड, बट स्टिल अगर अभी भी कोई चीज़ कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में या मोस्ट एनी टाइम एट ऑल पेज, और मैं आपका थोड़ा थैंक करूँगा कि आपने एक सेमिनार सा छोटा सा एक अरेंज किया है सो दैट कि हम लोग के वॉलंटियर्स के क्वेश्चन क्लियर हों। मैम सलमा हियर टू गिव अस द टाइम, ऑल फ्रॉम माय साइड। मैम आप वैल्यू ऐड करना चाहेंगे? यस, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जो वकील हमारे साथ काम कर रहे हैं वो उनको सो मच करते, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं हैरान हो रही कि आप छोटे छोटे से बच्चे हो, जाहिर सी बात है जो अभी तक 30 से कम का है वो छोटा सा बच्चा ही है, वो स्टिल इतना ज़्यादा काम कर रहा होता है सिर्फ एक काज के लिए, अपनी मिशन के लिए। तो मैं थैंक्स के लिए कहने के लिए मतलब वर्ड्स नहीं होते आपकी जो स्टार्ट अप कर रहे हो। और जो बाकी लोग आना चाहते हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही होगा कि स्टार्टिंग में जब हम काम करना चाह रहे होते हैं ना तो चूँकि वो क्लियर नहीं होता, पता नहीं होता कि वाकई उसमें फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा होता, नहीं फ़ायदा है, बहुत कम से लोग होते हैं जो स्टेप लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम से लोग। वो जब कम से लोग स्टेप लेते हैं ना एक्चुअली बाद में वो भी लीडर्स होते हैं इस फील्ड के। आप किसी भी फील्ड को ले लो, किसी भी एक चीज़ को ले लो, ठीक है, कि जिसने भी पहला स्टेप लिया मे बी उसने स्टार्टिंग में बहुत डिस्करेजमेंट बहुत नेगेटिविटी फेस की होगी, लेकिन बाद में 10 साल बाद 12 साल बाद वही बंदा आप देखोगे तो एज लीडर काम कर रहे हो। आप अमेजोन की बात करना चाहते हो, किसी चीज़ की बात करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक की बात करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में बात करना चाहते हो, आप जो ये पॉइंट है इसको ऐसे ही देखोगे, ठीक है। अब आपने याद करना है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि हमें वॉलंटियर बनना है या नहीं बनना, हमें इन्वेस्टिंग को ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना, तो सोचो आपको क्या ज़्यादा चीज़ मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है पॉजिटिविटी मिल रही है। अगर नेगेटिविटी मिल रही है तो यस बनना है, क्योंकि अभी ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप फ्यूचर में लीडर बनने वाले हैं। तो दूसरों के लिए पाथ क्रिएट कीजिए। हम सारे लोग एक ऐसा ही काम कर रहे थे, एक तो होता है कि एक स्ट्रेट रोड जा रही है जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर एक स्ट्रेट रोड जा रही है जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं तो वहाँ रश भी बहुत होगा, वहाँ तो आगे निकलने का चांस ही नहीं है। एक दूसरा रास्ता ये कि एक मुश्किल सा रास्ता है उसमें हर बंदा आके एक एक पत्थर हटा जाए, ठीक है, और हम एक नया रास्ता क्रिएट कर देंगे। अब जब दो रास्ते या मल्टीपल रास्ते हो जाएंगे तो रश कम हो जाएगा और हम लोग अपने
एक अच्छे पॉइंट तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। थोड़ा मुश्किल होती है चीजें, लेकिन एक दूसरे से पूछ सकते हैं। अगेन, जैसे हम लोग उसको कोई जॉब काउंट नहीं करते हैं, उसके पास फैमिली काउंट करते हैं। फैमिली में क्या होता है, फैमिली में आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई आपसे एज में 20 साल बड़ा है, वो स्टिल आपसे वैसे ट्रीट करेगा जैसे वो आपका एज बड़ा है। कोई मे भी आपसे 20 साल छोटा है, स्टिल वो आपसे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे हम सारे एज बड़े हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आप सबसे अच्छी चीज़ जो देखोगे, मैं अक्सर तला और फरहान की डिस्कशन देख लेती हूँ, तला फरहान को कोई भी काम कहेगा ना, तो फरहान हमेशा ऐसे रिस्पॉन्स करेगा कि जैसे फरहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम तला का ऐसा ही रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी, एहसान है, आयशा है, रहीम है, जहाँ पे जो भी स्टक होता है जब एक मैसेज करता है, सारे लोग वहाँ पे अपना फर्स्ट समझ कर आ जाते हैं कि उसको गाइड करते हैं। ठीक है, ये लर्निंग आपको किसी पेड कोर्स में नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ऑनेस्टली जितना उनके पास नॉलेज होता है उसके हिसाब से आपको गाइड कर देते हैं। इवन अगर किसी जगह पे किसी पॉइंट पे कोई किसी को गाइड नहीं कर पाता ना, तो जैसे फरहान को अगर नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे तला को क्या गाइड करना है, तो फरहान मुझे बार बार टैग करेगा, फरहान भाई को टैग करें कि फरहान भाई सीखें कि तुम्हें प्लान से। ठीक है, ऐसे हम एक दूसरे के साथ सही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के जो फायदा नुकसान है उसको अपना फायदा नुकसान समझ के चलते हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी वॉलंटियर हैं उनसे मैं ये जरूर कहूँगी कि आपके पास हार्डली 1.5 महीना है, 1.5 महीने से कम रहेगा, अगर तो आप ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टाइम निकाला और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे अपकमिंग वॉलंटियर्स को जो है गाइड किया कि वो कैसे मैं ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि ये जैसे मैंने पहले की थी कि ये बहुत ज़्यादा बिगनिंग से स्टार्ट होंगे, अब हम जब हम क्वारंटाइन से निकलेंगे हम बिगनिंग से स्टार्ट होंगे, अगर भी अब भी हमें अपने आप को पॉलिश करना चाहिए तो हमारे लिए मार्केट को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे भी किसी न किसी वॉलंटियर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रह चलें जिससे आप अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाएँ। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो हमारे इन्वेस्टिंग के पास आएँ, इन्वेस्टिंग आपको आइडियाज पिच करके देगा, इन्वेस्टर्स के पास ले जाए, कनेक्ट करेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फरहान एंड सलमा। आई होप दिस सेशन फॉर एवरीवन। थैंक यू फरहान, आपने इनवाइट किया, थैंक यू फरहान आप आए। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर एवरीवन और दुआ में याद रखिएगा सब, हम सब यही कहेंगे कि क्वारंटीन में रमजान है, हम सबको दुआ में याद रखें ताकि हम आपके अच्छे अच्छे तरीके अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आ सकें और हमारे अपकमिंग सेशंस को जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको इन्वेस्टर्स के साथ आज जो है वो बात करने का मौका मिल सकता है। और लाइक माइंडेड लोगों को टैग भी करते रहें कमेंट्स में। हां, लाइक माइंडेड लोगों को, ताकि किसी ना किसी का तो भला हो ना, इसलिए भला हो जाए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।